तो दोस्तों हम लोग जैसे रास्ते में चल रहे थे भाई, तो वैसे ही सब्सक्राइबर भाई मिल चुके हैं हम लोगों को, और बगल में बैठे हुए हैं देख सकते हो। और गांव घर में रुकवाया था तो मेरे को मजा नहीं आया, इसकी वजह से मैं गाड़ी में बैठा के यहाँ पे आगे मिल लिया आया। सपोर्ट करते रहो भैया को, दिल से प्यार करो, फुल सपोर्ट करो, लाइक वाइक कॉमेंट वगैरह किया करो। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी भाई तो लोड हो गई, तिरपाल वगैरह करके हम लोग निकल चुके हैं। अभी जाएंगे दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि इसका भाई शीशा लगवाना जरूरी है, रात में ठंडी बहुत ज्यादा लगती है ना। लोकन में टायर पंचर हो गया, यहाँ से हवा निकल रहा है, गोटी उटी लगती मेरे ख्याल से। खाना खा रहे हैं, ये रोटी भाई और ये अंडा करी बनाई है मम्मी आज, अंडा करी बना के रखी हुई देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय भाई अपन रायपुर पहुँच चुके हैं, हालांकि आप लोगों ने देखा था कि भाई नाइट में हम लोग तो भाई घर पर थे, लेकिन भाई खाना पीना खा के हम लोग भाई 9:30 बजे घर से निकल चुके हैं लोडिंग करने के लिए। और ये पता नहीं है भाई अभी लोडिंग कहाँ की है, लेकिन जा रहे हैं लोडिंग करने के लिए सोलर प्लेट। और हमारी गाड़ी ज़्यादातर दोस्तों यही सब में चलती है, सोलर प्लेट पाइप में। आप लोग सोचते होंगे भाई सोलर प्लेट, हाँ तो भाई सिर्फ सोलर प्लेट में ही हमारे लोग की गाड़ी चलती है, कभी पाइप में, मतलब हल्का हल्का माल में थोड़ा चलता है। और ये जो सोलर प्लेट है ये थोड़ा सा भारी रहता है, और बाकी भाई क्या कहते हैं जो भी माल हम लोग भरते ज़्यादातर हल्का वाला माल ही हमारा सेठ भाई खोजता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है भाई 1110 Pro ऐसा की ये 7.5 टन की गाड़ी है ना, तो सिर्फ इसमें पास करती भाई 7.5 टन ही, 11990 पास करती है हमारी गाड़ी पूरा लोड लेके। तो इसके वजह से हमारा सेठ भाई ज़्यादातर कम रेंज का ही मतलब माल खोजता है भाई, कम टन का रहना चाहिए, कम वजन रहना चाहिए, ऐसा टाइप का माल खोजता है। और बाकी देख सकते हो भाई रायपुर का नज़ारा, रायपुर अभी विधानसभा में हम लोग विधानसभा रोड में है, सीधा सीधा चले जाएंगे तो मंदिर असोद वाला रोड है, तो हम लोगों को मंदिर असोद वाला रोड में ही जाना है, क्योंकि हम लोग आज भाई हम लोगों को पता है मतलब ना सिमगा से निकले, उसके बाद में फ़ोन आया कि भाई आपको दूसरी जगह जाना है, मतलब लोड करने के लिए वहाँ आइकॉन जाना है। तो बात ऐसी हो गई कि भाई सिमगा से भी रास्ता जाता है, तो हम लोग आगे आ गए थे तो फिर हम लोगों को भाई आना पड़ा यहाँ रायपुर आना पड़ा, क्या कर सकते हैं। और शीशा को तो आज हम लोग लगवा के ही जाएंगे भाई, क्योंकि इस बार आए ना तो भाई ठंडी दबा के लगी है, क्या करें, अब मजबूरी है भाई शीशा को, अब क्या कर सकते हैं, टूट गया तो नेचुरल से यार टाइट किए उसी में टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों, लोडिंग वगैरह करके आएंगे रायपुर सोच रहे हैं, तो सेठ बोला है लोडिंग वोडिंग करके आओ उसके बाद मैं बनवा दूंगा ऐसे कह के, अब वहाँ भाई जाने के बाद पता चलेगा, लोडिंग वोडिंग करने के बाद पता चलेगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं भाई, लोडिंग वगैरह करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को सीन, तो कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहो एंड नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो अभी दोस्तों विधानसभा चौक में पहुँच चुके हैं, जो कि देख सकते हो अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं तो विधानसभा चला जाएगा, मतलब विधानसभा का एरिया ही है, और इस साइड दोस्तों अपना रायपुर सिटी चला जाएगा फाफाटी। तो हम लोग भाई ओवरब्रिज से भी होके जा सकते थे, लेकिन बात ऐसी हो गई ना कि ऊपर वाला जो रास्ता है वो भाई ख़राब है, भड़ भीड़ जाना पड़ता है, इसकी वजह से मैं ओवरब्रिज से बहुत कम ओवरब्रिज बना हुआ है स्पेशली, लेकिन भाई मैं उधर से नहीं गया, ख़राब है दोस्तों, भड़ भड़ करता है, मज़ा नहीं आता है ना गाड़ी इसके वजह से। भाई कोई रुकवा रहा है हम लोगों को, लगता है सब्सक्राइबर भाई है, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो दोस्तों हम लोग जैसे रास्ते में चल रहे थे भाई, तो वैसे ही सब्सक्राइबर भाई मिल चुके हैं हम लोगों को, और बगल में बैठे हुए हैं देख सकते हो। और गांव घर में रुकवाया था तो मेरे को मजा नहीं आया, इसकी वजह से मैं गाड़ी में बैठा के यहाँ पे आगे मिल लिया आया, जो कि देख सकते हो भाई। भाई वीडियो तो देखते हो भाई? हाँ देखते हूँ, हर वीडियो देखता हूँ, लाइक वाइक ठोकता हूँ। बिल्कुल भाई ठोका करो यार, सपोर्ट करो यार, बस जय श्री राम। अजय भैया के जितने भी व्यूअर है सबको मेरे तरफ से जय श्री राम, सपोर्ट करते रहो भैया को, दिल से प्यार करो, फुल सपोर्ट करो, लाइक वाइक कॉमेंट वगैरह किया करो। भैया ने देखो अपना सब्सक्राइबर को कितना मस्त से वो बोलते हैं ना खातिरदारी के, मेरे को ट्रक में बिठा के इधर शान जगह में बातचीत चल रहा है भैया दोनों का। हाँ
क्या है वहाँ पर ना दोस्तों, बात ऐसी हो गई थी भाई कि क्या कहते हैं, थोड़ा सिटी से मतलब थोड़ा गांव एरिया था, तो वहाँ पे रोकते नहीं भर रहा था। मैं सोचा यहीं पे आके बातचीत करेंगे ऐसे वगैरह कह के, तो यहीं पे आ गए दोस्तों। बढ़िया यहाँ पर जगह भी, और यहाँ से 7-8 किलोमीटर हम लोगों का लोडिंग पॉइंट है, तो लोडिंग करके फिर हम लोगों को इसी रास्ते से, पहले पता रहता तो भाई मिल लेते और भी कभी, लेकिन भाई क्या करें पता नहीं था, तो अभी मिल लिया अचानक से भाई, हाथ दिए ना, देखे ना आप लोगों ने ऐसे टाइप का, और कुछ नहीं। तो चलते हैं दोस्तों लोडिंग वोडिंग करने के लिए। और कुछ बोलना चाहोगे भाई आप हमारे व्यूवर्स को? और कुछ जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं दिल से हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट किया करो भैया को, हर वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर वगैरह भी कर दिया करो, मतलब फुल सपोर्ट किया करो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं भाई अपन लोडिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग को टाइम भी हो रहा है। तो दोस्तों सब्सक्राइबर भाई से मिल के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया से बातचीत की है बढ़िया से, और मेरे को पता रहता तो भाई पहले ही रुक जाते, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं था एरिया में रहते ऐसे कह के। अब पता थोड़ी ना है दोस्तों कौन कहाँ सब्सक्राइबर मिल जाए, कोई पता थोड़ी ना है इसके वजह से। तो चलते हैं लोडिंग वगैरह करते हैं, और इधर मौसम भी थोड़ा बदली टाइप का है, मतलब अभी धूप भी उतना ज़्यादा नहीं निकला है, बहुत ही कम धूप है। तो चलते हैं दोस्तों लोडिंग करते हैं। तो दोस्तों फाइनली कंपनी में भाई पहुंच चुके हैं, देख सकते हो भाई अभी लोडिंग करते हैं यहाँ पर। गाड़ी उड़ी अगर नहीं होगी तो हमारी गाड़ी लोडिंग हो जाएगी फटाक से, अगर गाड़ी नहीं होगी, अगर गाड़ी होगी तो भाई नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं जाके, अगर ऐसे तो अभी लंच हो गया है क्योंकि 12-1 बजने वाले हैं, 1 बज गए मेरे ख्याल से। चलते हैं इधर ही लगाते हैं सीधा। शाम के करीबन बज चुके हैं 4:30, और हमारी गाड़ी भाई पूरी लोड हो चुकी है, तो रास्ता तिरपाल मारने के लिए भाई साइड में लगा दिए गाड़ी को। बाकी अजीत भाई अभी ऊपर में चढ़े हुए हैं, और देख सकते हो 16 प्लेट लोडिंग हुई है भाई पूरी। तो अभी इसका रास्ता तिरपाल मारते हैं पूरा, अजीत भाई अभी गिनती कर रहे हैं, क्योंकि गिनती में ये ना पूरा 16 प्लेट जो कि पूरा गिनती में जाता है, बात ऐसी है। ये देख सकते हो भाई, फाइनली दोस्तों गाड़ी भाई तो लोड हो गई, तिरपाल वगैरह करके हम लोग निकल चुके हैं। अभी जाएंगे दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि इसका भाई शीशा लगवाना ज़रूरी है, रात में ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों, लोडिंग कर लिए, अब जाते हैं भाई ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ से भाई इसका काम करवाते, फिर उसके बाद में निकलेंगे। हो सकता है तो भाई अजीत भाई भी अकेले जा सकते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं भाई। दोस्तों आगे रुकने के बाद में भाई एक ठेला मिला एग रोल का, तो अजीत भाई को बोला लिया हो यार, खाते हैं बहुत दिन हो गया ऐसे भी, तो खा लेते भाई एग रोल गर्मा गर्म, ऐसे भी अब ठंडी का मौसम चालू हो गया है ना। बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई ट्रांसपोर्ट नगर, जो कि भाई देख सकते हो इधर ट्रांसपोर्ट नगर भाई पहुंच चुके हैं। अभी काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा भाई, अब जाने के बाद ही पता चलेगा उधर। तो जा रहे हैं देखते हैं, सामान भी मिल जाए कांच उसका तो बढ़िया रहेगा भाई, देखते हैं चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रायपुर से तो भाई निकल चुके हैं, और गाड़ी का भाई हमारा हम लोग का काम नहीं हो पाया, जहाँ पर भाई लेने के लिए गए शीशा वहाँ पर शीशा मिला ही नहीं। अब ऑर्डर करके रखे हुए हैं, कल आएंगे भाई खाली करके, उसके बाद में भाई लगवाएंगे, परसों लगेगा। अब आज फिर ठंडे में मरते रहो, क्या कर सकते हैं भाई। और बाकी अजीत भाई इधर चला रहे देख सकते हो भाई, देख लो
अब चलते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा तो आ ही रही है, प्लस चलते हैं खाना वगैरह खाएंगे घर पे फिर। भाई लोग घर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई हमारा लोकल में टायर पंचर हो गया, यहाँ से हवा निकल रहा है, गोटी उटी लग गई मेरे ख्याल से। तो अजीत भाई अभी जेक को चढ़ा रहे हैं, देखो काम चालू है अजीत भाई। चलो अच्छी बात है, एकदम बारीक हवा निकल रहा है दोस्तों, एकदम बारीक। भाई लोग टायर तो भाई चेंज हो चुका है, और बाकी जो हमारे पास स्टेपनी पड़ा हुआ था स्टेपनी को लगा दिया, यहाँ पर देख सकते हो ये आगे वाली जो टायर की थी ना वो वाली स्टेपनी अपने पास पड़ी हुई थी, तो अभी काम आ गई है। तो बस यही है दोस्तों, इसमें थोड़ा एकदम पतला पंचर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम पतला सा पंचर है, वो हवा भी एकदम आराम आराम से निकल रहा है, पता है ये देखो इधर से बहुत ही एकदम मतलब कम आवाज़ निकल रहा है इसमें। और बाकी अभी तो अजीत भाई ने पूरा कस दिया उसको, कस कुसा के भाई निकलेंगे। तो दोस्तों टायर वगैरह तो फिट हो चुका है, अभी खाना खा रहे हैं, ये रोटी भाई और ये अंडा करी बनाई है मम्मी आज, अंडा करी बना के रखी हुई देख सकते हो। और अजीत भाई इधर खाना खा रहे हैं, नीचे छाट छाट नीचे छाट छाट के, तो मैं भी दोस्तों खाना खा लेता हूँ भाई, खा लेते हैं दोस्तों खाना, अंडा करी और रोटी भाई। Thank you.